हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आप आज की वीडियो में। आज की जो वीडियो है पूरी तरह से हमारे सिविल इंजीनियर स्टूडेंट या फिर सिविल इंजीनियर के लिए होने वाली है, क्योंकि हम लोग को हमेशा ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी कुछ दिनों पहले, लेकिन मैं इस चीज को सॉल्व कर दिया हूँ। तो ये प्रॉब्लम है कि मैंने आपको मतलब आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग ऑटोकैड पे काम करते हैं तो आपके लिए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का जो भी प्लॉट होता है उसको ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है आपको ऑटोकैड में। लेकिन अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप हो या फिर ट्रायंगुलर शेप हो तो उसको ड्रॉ करने में ऑटोकैड में बहुत दिक्कत होती है। देखिए, मान लीजिए ये कोई इरेगुलर शेप का कोई ये आपका प्लॉट है जो कि कोई भी शेप एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो वहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जैसे कि ये है, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ, नॉर्थ और साउथ 40 है, और ये जो आपका वेस्ट है वो 44 है और ईस्ट 36 है। तो यहाँ पे चारों जो है आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे अपने ऑटोकैड में। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले आप अपने एक कॉपी और पेन उठाइए, वहां पे नोट डाउन कीजिए हम लोग कौन कौन से कमांड का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने कॉपी पे लिख लीजिए लाइन कमांड और सर्किल कमांड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सर्किल कमांड उठाएंगे, ठीक है, सॉरी लाइन कमांड यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं 40 फीट, तो हम लोग यहाँ पे 40 फीट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 40 फीट ले लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेस्ट में 44 है, तो 44 के लिए हमको पहले क्या करना है, यहाँ पे सर्कल कमांड पे जाना है, उसके डायमीटर को हमको 44 लेना है, 44 फीट। ठीक है, 44 ले लिए। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस तरफ भी, यानी कि इसके बेस लाइन के इस तरफ से भी हमको लाइन कमांड पे जा करके और इसके बेस पे बेस लाइन के आपको लेफ्ट साइड पे भी जाके आपको 44 का आपको डायमेंशन लेना है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो दोनों सर्किल का जो यहाँ जो क्रॉस पॉइंट आया है वहां से लेकर के और इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे और ये पॉइंट हमको 44 मिलेगा, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे आपको साउथ में, तो साउथ के लिए साउथ का देख सकते हैं कि 40 है, तो 40 के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सर्किल कमांड पे गए और जहाँ पे क्रॉस हुआ है वहां से उठाएं और यहाँ पे हम लोग को 40 फीट लेना, 40 फीट का डायमेंशन दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग को ये जब हम ले लेंगे तो इस दोनों पहले वाले दोनों सर्किल को हम लोग डिलीट कर दी, ध्यान से देखिएगा, इसको डिलीट कर दी। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से ये तो हम 40 फुट का ले लिए, अब हम लोग को देखना है कि ईस्ट में 36 फीट है, फिर सर्किल कमांड पे गए और यहाँ से हम लोग आप देखते रहिएगा हम किस तरह से कमांड ले रहे हैं, 36 फीट। ठीक है, ये आपका देख रहे हैं, देख रहे हैं, फिर लाइन कमांड पे गए, इस लाइन से लेकर के यहाँ जो क्रॉस लाइन है यहाँ पे आए और फिर इसको भी है इससे मिला। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं चारों कॉर्नर आपका मिल चुका है, आपका प्लॉटिंग हो गया है। ठीक है, ये रेगुलर शेप, क्या इस दोनों सर्कल को हम लोग हटा देंगे। अब मैं आपको ये शो करके दिखाऊंगा कि इसका आप जो डायमेंशन लिए थे उतना एग्जैक्टली आप चाहते थे उतना सेम आपका आया है कि नहीं। ठीक है, ये देख सकते हैं 40 फीट, जैसा कि यहाँ पे 40 फीट है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं किस किस कमांड का यूज किया हूँ। मेन आपका कमांड है आपका लाइन और सर। ठीक है, तो इधर का हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 44 फीट। ठीक है, उसके बाद हम लोग साउथ का देख लेंगे कि 40 फीट है कि नहीं, यहाँ से उठाएं और ये देखिए, ये जो है ऑटोकैड 2007 वर्जन है, उसमें मैं ये करके आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी वर्जन में ये चीज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ईस्ट का चेकआउट करेंगे डायमेंशन, क्या था हम लोग ईस्ट का मैंने आपको चेकआउट करके यहाँ पे दिखा दिया है कि ये 36, यानी कि सेम जो ये है वो आपको सेम दिख रहा होगा यहाँ पे, और उसके बाद आपने इसमें प्लॉटिंग कर दीजिए, एच पे जाइए और यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए अपना स्केल 30, उसके बाद क्लिक कीजिए
सेम चीज आ गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप किसी भी तरह का आप रेगुलर शेप का आप प्लॉट अपने ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। और ये जो प्लॉट मैंने दिखाया है इसके ऊपर मैंने मेरी प्लान भी आने वाली है आज रात को, तो वो जाकर जरूर देखिएगा इस तरह से मैंने इस प्लॉट में मैंने प्लानिंग की है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।